नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अम्बेडकरी साहित्यिक प्राध्यापक अविनाश डोळस, इनका रविवार सुबह 5:30 बजे हृदय विकार से निधन हो गया। वे 67 साल के थे। डोळस इनके मृत्यु से साहित्यिक विश्व की अपरिमित हानि हुई है। अम्बेडकरी विचार और साहित्य, महासंघ, सम्यक दृष्टि से इत्यादि उनकी किताबें प्रसिद्ध है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने स्थापित किए मिलिंद महाविद्यालय में वो प्राध्यापक थे। जनवरी 1990 में नांदेड़ में आयोजित 5वें अखिल भारतीय दलित नाट्य सम्मेलन के वो अध्यक्ष थे। जनवरी 2011 में चंद्रपुर जिले के घुग्गुस में 12वें अम्बेडकर साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। प्राध्यापक डोळस इनका 4:00 बजे भीमनगर भावसिंहपुरा स्मशान भूमि में अंत्य संस्कार किया गया। अब देखते हैं अगली खबर। राम मंदिर के लिए हिंदू संगठन निकालेगी हुंकार रैली। राम मंदिर के लिए फिर से आंदोलन करने का इशारा राष्ट्रीय स्वयं संघ ने देने के बाद अब इस आंदोलन के लिए मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। शनिवार सुबह नागपुर के संघ मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के नागपुर के सभी नगर सेवक, आमदार एवं संघ से संबंधित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राम मंदिर के लिए संघ की तरफ से हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। पहली हुंकार रैली नागपुर में 25 नवंबर को होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाड़ी पर बैठने का विवाद, हत्या का प्रयास। अब खबर विस्तार से। नागपुर में बार के सामने खड़े मोटरसाइकिल पर बैठने को लेकर हुए झगड़े में 5 जनों ने मिलकर एक व्यक्ति का खून करने की कोशिश की। जख्मी की हालत चिंताजनक है, उस पर एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू है। इसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।